रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर डेसिमल पार्ट में डेसिमल डिजिट्स या नंबरों की तादाद फ़र्क हो तो हम ऐसे डेसिमल को अनलाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे आपके सामने ये दो एग्जांपल्स हैं, इनमें डेसिमल पार्ट में नंबर डिजिट्स फ़र्क हैं, इसलिए हम अनलाइक कहते हैं। तो वो डेसिमल्स जिनमें डेसिमल पार्ट में डिजिट्स एक जैसे हों तादाद में, उनको लाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे आप 0.37 देख रहे हैं, 0.39 और नीचे हम अनलाइक डेसिमल को अगर ऐड करके तादाद पूरी कर दें तो हम उन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नो योर वर्थ प्यारे बच्चों, अपनी हैसियत को जानो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मेरी इस दुनिया में हैसियत क्या है, ये सारा जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है किसके लिए बनाया है, मैंने कहाँ जाना है, कोई काम कैसे करना है, कब तक करना है, कब तक यहाँ पे हूँ, तो इन सारे सवालों के जवाब कुरान जी देता है। अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बनाया दुनिया में और हमारे लिए हदायत भेजी है। हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ें, समझ कर ना पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर्स। तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है, तो देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इशारिया को भूल जाएं और उसे पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे आपने पहले मल्टीप्लिकेशन सीखी है। उसके बाद राइट से लेफ्ट नंबर गिनकर इशारिया लगा दें। तो सब आए इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। 5.36 को 8 से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले तो हमने इशारिया निकाला, नीचे 8 का टेबल लिखा, 8 6 are 48, 4 हमने कैरी किया और उसके बाद हमने 8 3 are 24 प्लस 4 28 हो गया, 8 हमने नीचे लिखा, 2 कैरी किया और 8 5 are 40 प्लस 2 42 हो गया। अब आप देखें कि इसमें जो हमने 5.36 है, इसमें डेसिमल 2 प्लेसेस पे है, तो हम 5.36 मल्टीप्लाइड बाय 8 में भी 882 डेसिमल के प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको अपनी कॉपी पे उतारें और इनको मल्टीप्लाई करके इनमें डेसिमल प्लेसेस निकालें। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, हम उसके बाद आप खुद से हल कर लें, फिर इसको आगे चलाएं। तो आप ये देखें कि अब हमने पहले डेसिमल कोड आया 352 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, 3 5s are 15 और एक हमने कैरी किया, 3 3s are 9 और 1 प्लस किया तो 10 हो गया। तो अब आप ये देखें कि जब हमने 35.21 डेसिमल प्लेस पे था तो हम इसको 1 डेसिमल प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारे पास 2 34 मल्टीप्लाइड 15। तो पहले तो हमने डेसिमल का एक किया, 5 4s are 20, हमने 2 कैरी किया, 15 5 3 15 और 2 17 आ गया और फिर 10 के अंदर हमने 1 कैरी किया तो 11। तो अब आप ये देखें कि हमने फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास 35 10 आ गया आंसर। तो अब आप देखें कि इसमें 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, तो हम 35.10 इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, हमने डेसिमल निकाला और 7324 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4s are 20, 2 कैरी किया हमने, 5 2s are 10 प्लस 2 12 आ गया, 1 हमने कैरी किया, 5 3s are 15 प्लस 1 6 आ गया, 1 हमने कैरी किया और 5 7s are जो हैं वो हमारे पास 35 है प्लस 1 कैरी उसमें ऐड किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब आप देखें कि जब हमने ऊपर 7.324 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमने जो अपनी प्रोडक्ट थी उसमें 3 प्लेसेस पे डेसिमल लगा दिया, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने डेसिमल गायब किया और हमने 67 से मल्टीप्लाई शुरू किया, हमने 7 का नीचे टेबल लिखा, 7 5 are 35, 3 हमने कैरी किया, फिर हमने 7 को
3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, फिर हमने 2 कैरी किया, 7 2s आर 14 प्लस 2 16, 1 कैरी किया, फिर 7 4s आर 28 प्लस 1 9 हमने 1 कैरी प्लस किया, फिर 7 1s आर 7 और उसमें 2 कैरी ऐड किया तो ये हमारे पास 9 आ गया। फिर हमने 6 का टेबल नीचे लिखा, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5s आर 30, 3 कैरी किया, 6 3s आर 18 प्लस जो है 3 21 और 2 कैरी किया, 6 2s आर 12 प्लस 2 14 हमारे पास आ गया, 1 कैरी किया, 6 4s आर 24 प्लस 1 15 आ गया 25 और 2 कैरी किया और 6 1s आर 6 प्लस 2 8 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 953745 आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस के थी, तो हमने राइट साइड से 4 करके इसमें डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।